नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। गोविंद दास उर्फ काले बाबा हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने घटना के चौथे दिन अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। हनुमानगढ़ी मंदिर के पास रहने वाला छोटू उर्फ राजकुमार राठवार निकला हत्यारोपी। आरोपी ने मृतक बाबा का कुछ दिनों पहले मोबाइल चोरी कर लिया था, जिसकी रिपोर्ट थाने में करने को लेकर मामले को छुपाने और बदनामी के डर से आरोपी ने बाबा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जब्त की। इस दौरान SDOP प्रियंका मिश्रा, TI विजय सिंह तोमर, अन्य लोग मौजूद रहे। गोविंद दास महाराज जी हैं और काले बाबा की हत्या गौशाला में हुई थी, और क्योंकि ये अलग वहाँ पर रहते थे इसलिए थोड़ी सी सनसनीखेज थी, इसके द्वारा कारित की गई। बाद में इसमें SDOP दतिया प्रियंका मिश्रा और TI कोतवाली और उनके सब स्टाफ ने चुनाव के तत्काल बाद, क्योंकि ये घटना हुई इसलिए इस पर हर एंगल से इस पर मेहनत करते हुए इसमें सभी तरह के CCTV कैमरे फंसाले गए। आसपास के जितने ऐसे आवारा लोग हैं जो इस तरह की घटना कारित कर सकते हैं, उन सबसे पूछताछ की गई। पूछताछ में एक छोटू राजकुमार का नाम क्लियर हुआ, जिसके द्वारा करीब दो दिन पूर्व काले बाबा का मोबाइल उठा लिया गया था और बाद में उस मोबाइल को उसने पता चलने पर वापस कर दिया था, जिस बात को लेकर जनसामान्य में उसके प्रति घृणा का भाव था और ऐसे ही उसको लग रहा था कि काले बाबा की वजह से उसकी बेइज्जती हुई है। उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने रात में ही 17 और 18 की रात को कुल्हाड़ी से इनकी सर पर वार करके हत्या कर दी। दो दिन इससे जब अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई तो इसने कई कहानियाँ बताने का प्रयास किया गया, जिनको तस्दीक की गई तो सभी कहानियाँ झूठी मिली। अंत में इसके द्वारा बोला गया कि इसने घटना कारित करी है और घटना में जो शामिल कुल्हाड़ी है वो भी बरामद की गई। इसमें पूरी टीम ने, क्योंकि चुनाव के जस्ट बाद ये हुआ था, हमारे पास बल की भी कमी थी, पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके लगातार सभी कैमरे लोगों से पूछताछ करके मॉनिटरिंग करके इसको डिटेक्ट किया, इसलिए पूरी टीम को जो 10,000 रुपये इनाम घोषित किया है वो दिया गया।